भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं हम मुमरा के स्टेडियम में। आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहां पर उर्दू मेला किताब का जो है आयोजन किया गया है। लगभग भारत के कोने कोने से लोग जो है यहां पर किताब बेचने के लिए आ रहे हैं और इसका जो ऑर्गेनाइज़र किया जा रहा है ये उर्दू मेला कमेटी कर रही है और पटेल उर्दू हाई स्कूल अब्दुल्ला पटेल हाई स्कूल जूनियर कॉलेज की तरफ से जो है इस किताब मेले का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ यहां पर मौजूद है सैयद जाहिद सर। हम पहले इनसे बात करते हैं कि किस तरह का जो है ये जो आयोजन किया जा रहा है उर्दू किताब मेले का, ये किस तरह का आयोजन है? हिंदुस्तान की तारीख रही है कि यहाँ पर जो है पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में उर्दू किताब मेले मुनक़द किए गए। अब इस मरतबा हमारी बारी है। मुमरा के अंदर ये शानदार उर्दू किताब मेला जो कौमी किताब मेला है उसका इनेकाद हो रहा है। ये मेला कुल 5 दिन का है, 5 रोज़ा है ये मेला। हमने इसकी महीना 2 महीने से खूब तैयारी की है। इस मेले के अंदर तकरीबन पूरे हिंदुस्तान से जो है वो 83 जो है पब्लिशर तशरीफ़ लाए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उनके सब स्टॉल लग चुके हैं, पूरे मेले की तैयारी हो चुकी है। कल सुबह जो है इसका इनॉग्रेशन होगा, इसके अफ्तिताह होगा और सुबह 8 बजे एक शानदार रैली के साथ जिसको हमने कारवान उर्दू का नाम दिया है उसके साथ इसकी शुरुआत होंगी, जो मुमरा एम गेट से शुरुआत होंगी उसकी और यहाँ स्टेडियम पर आकर ये ख़त्म होंगी। ये मेला मुमरा के स्टेडियम के अंदर जो है इसका इनेकाद किया गया है और शानदार इफ्तिताह होगा। हमारी महाराष्ट्र से मुख्तलिफ शहरों से जो अदबी शख्सियात जिनकी किताबें हैं उन किताबों का उस मेले में इजरा भी होगा और इस तरह से पूरा दिन जो है ये मेला चलता रहेगा और शाम में एक अदबी कहकशा के उनवान से जो है मुमरा के अंदर जो अदबी शख्सियात हैं वो सभी जो है इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाली हैं। उनकी खिदमात, उनकी किसी 25 साल 50 साल खिदमात का उसका जिक्र होगा और उनको कुछ जो है इनामात से भी नवाजा जाएगा। अच्छा, जो मुमरा रेलवे एम गेट से जो है शुरुआत की जाएगी उसके बाद इस मेले का उद्घाटन किया जाएगा, किताब मिलेगा तो किसके हाथों से होगा? वहाँ से रैली जो निकलेगी वो कौन रैली का जो है रहेगा? इसमें ज़्यादातर हमारी अदबी शख्सियात हैं और यहाँ के जो MLA हैं जो अभी उनको मिनिस्ट्री मिली है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, ये भी मेरे रैली की क़यादत करेंगे डॉक्टर ज़हीर काजी। इसके अलावा और भी कोई उनके साथ में है? जी हमारी एक अदबी शख्सियात है डॉक्टर ज़हीर काजी साहब हैं, अली एम शमसी साहब हैं और ऐसी मुख्तलिफ जो है तालीमी शख्सियात जो यहाँ तशरीफ़ ला रही हैं जो मेले की क़यादत भी करेंगी। किस तरह का यहाँ पर जो है किताब जो मेला लगा है, किस तरह की यहाँ पर किताबें रहेंगी, क्या ये अलग अलग भाषाओं में जो है यहाँ पर रहेंगी और कहाँ कहाँ से स्टूडेंट जो है यहाँ पर आने वाले हैं? ये मेला जो है हम चाह रहे थे कि हमारा जो इस्लामी सरमाया है, दीनी सरमाया है, वो सब किताबों में है और ये हमारी ज़बान में ज़्यादा है, उर्दू ज़बान में। तो हम चाहते हैं कि ये पूरा सरमाया हमारा जो है हर घर पहुँचे, लोगों तक जो है हमारे दीन का सरमाया, सीरत की किताबें, कुरान की तफसीरात, हमारे उलमाए किराम की लिखी हुई बड़ी बड़ी किताबें तफसीरें, वो घरों तक पहुँचे, लोग उसको पढ़ें। और इसके साथ साथ ही जो मुख्तलिफ किस्म के जो यहाँ पर पब्लिशर आए हैं इन्होंने सिर्फ उर्दू ज़बान के अलावा जो है अंग्रेज़ी जैसे तफसीर कोई अंग्रेज़ी में पसंद करता है, कोई मराठी में पसंद करता है, कोई हिंदी में पसंद करता है, तो इनको मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर भी जो है इनको तफसीरें और किताबें मिलेंगी। हमारे साथ अहमद इजहार साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। इस जो यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है तमाम किताब की बिक्री करने के लिए, जो उर्दू ज़बान को ख़ास तौर पे ये बढ़ावा देने के लिए जो है मेला लगाया गया है, लेकिन जो किताबें यहाँ पर बेची जाएंगी वो सामाजिक से लेकर जो है दीनी तालीम तक की किताबें रहेंगी, लगभग इंग्लिश मराठी उर्दू में भी ये किताबें मिलेंगी। क्या ये जो मेला यहाँ पर लग रहा है तो क्या ये मुमरा शहर में जो है पहली बार ये मेला ऐसा लग रहा है? ये मेला मुमरा शहर में पहली बार लग रहा है। इस तरह का मेला कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू नाम की एक सरकारी तंजीम है, वो मुल्क भर में लगाती रहती है। इससे पहले 2016 में कौमी काउंसिल ने भिवंडी में ये मेला लगाया था। जब से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि यहाँ लगाएं, हमने कोशिश की उनसे कि इस बार वो मुमरा में लगाएं, लेकिन वो औरंगाबाद चले गए। तो फिर मुमरा वालों ने कोशिश करके अपने ही दम पर ये मेले का इनेकाद किया है। यहाँ ये मेला पहली बार हो रहा है और इतना बड़ा मेला आप देख रहे हैं, 85 स्टॉल्स लगे हैं जिसमें करोड़ों रुपये की किताबें सारे हिंदुस्तान से हर हर टॉपिक पे आई हैं। इसमें शायरी की किताब होगी, इसमें अदब की किताब होगी, इसमें NRC पर जो अभी नया एक्ट बना है उस पर
हर तरह की किताबें हिंदी। अच्छा, सरकार जो NRC और NPR जो CAA इसको लेकर जो कानून नया तैयार किया जा रहा है, इसको लेकर भी किताबें यहाँ पर मौजूद रहेंगी? हाँ, इसको लेकर भी किताबें रहेंगी, और एक्चुअली ये चीज़ है क्या, उसको समझाने वाली किताबें भी उसमें रहेंगी। बहुत सी किताबों का यहाँ इनॉग्रेशन होगा, इजरा करेंगे। उसमें NRC की एक किताब है जिन साहब ने लिखी है, वो NRC को सरल तरीके से समझाने के लिए आवाम को, वो किताब का इजरा भी होगा। उसकी हज़ारों कापियाँ आ रही हैं, वो इंशाल्लाह यहाँ बिकेंगी। इसमें आखिरी दिन हमारे 5 तारीख का आखिरी दिन रहेगा। उस दिन शाम को 7 बजे इंशाल्लाह जावेद अख्तर साहब आएंगे, जो यहाँ 3 घंटे तक आवाम से खिताब करेंगे और उर्दू के मुतालिक अपना बयान करेंगे। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि जो CAA है, NRC है, इसको लेकर जो है यहाँ पर किताबें रहेंगी, जिसको लेकर लोग जागरूक हो सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, तो इसी तरह की कुछ सामाजिक और दीनी किताबें जो ऐसी हैं जिनके बारे में आप उन किताबों का नाम बता सकें, ताकि लोगों को ख़रीदने में, उसको देख पढ़ने में आसानी हो सके, क्या कौन कौन सी? कुरान शरीफ की अलग अलग उलमा की लिखी हुई तफसीर होगी, गालिब के दीवान होंगे, ज़ौक़ का दीवान होगा, जितने बड़े शायर हैं पुराने या नए, जो ज़िंदा हैं वो, जो मर गए वो, उन लोगों की किताबें होंगी, अफसानों की किताबें होंगी। इस तरह की हर हर टॉपिक पे किताबें यहाँ हैं, और स्टॉल जो है, जब बच्चे आएंगे या लेने वाले जब स्टॉल पे आएंगे, तो उनको जो स्टॉल पे मौजूद रहेगा वो बताएगा कि हमारे यहाँ किस तरह की किताबें हैं। हमारा वहाँ एक इंतज़ामिया का काउंटर लगा रहेगा, जो हमारे पास आएंगे हमको पूछेंगे कि पर्टिकुलर ये किताबें कौन से स्टॉल पे मिलेंगी, तो हमको वो गाइड करेंगे कि आपकी दिलचस्पी की किताब उस स्टॉल पे मौजूद है, आप वहाँ चले जाइए। लगभग कितने स्टॉल यहाँ पर जो है लगा? 85 स्टॉल लगे हुए हैं। जो किताबों की दुकान यहाँ स्टॉल जो लगाए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल हसनात बुक स्टॉल जो है लगाया गया है, ये दिल्ली से आए हुए हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास कौन कौन सी सामाजिक किताबें हैं, कौन कौन सी दीनी किताबें हैं जो ये यहाँ पर बेचने के लिए आए हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शहजाद है, और मेरे फर्म का नाम है अल हसनात बुक्स प्राइवेट लिमिटेड। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बाँ की है। तो यहाँ मुमला में पहली बार ये उर्दू किताब मेले का इनेकाद किया गया है, और इसमें उर्दू में किताबें हैं, उसमें हम हिंदी में भी किताबें लेके आए हैं और इंग्लिश में भी किताबें लेके आए हैं। इस्लामी अदबी, बच्चों का बहुत अदब है हमारे पास। उसके साथ साथ जो है ख्वातीन के लिए पकवान की किताबें हैं, और तारीख़ी किताबें हैं जो कि हमारा सरमाया है उसके अंदर, और उसमें आपको सारी ज़बानों में हम किताबें हम दस्तयाब करने की कोशिश करेंगे हैं हमारे पास यहाँ पर। बस यह है, उम्मीद है कि लोग यहाँ पर आएँ, उसको देखें और हमारी हौसला अफजाई करें हमारी। जिस तरह से आपने सुना कि जो उर्दू किताब मेले का आयोजन यहाँ स्टेडियम में किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। जो ये उर्दू किताब मेला है, ये कल से शुरुआत होगा। कल सुबह 8 बजे जो है मुमरा एम गेट से जो है यहाँ के आमदार जितेंद्र हवार, जो अब कैबिनेट मंत्री भी बन चुके हैं, वो वहाँ से एक रैली निकालेंगे और यहाँ पहुँच कर जो है इस किताब मेले का जो है उद्घाटन करेंगे, और ये किताब मेला जो है 5 दिन तक चलेगा। इसी तरह से देखिए किस तरह से ये किताब मेले का जो है आयोजन किया गया है, किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। आपको बता दें कि इस किताब मेले में जो है ख़ास तौर पर उर्दू ज़बान को बढ़ावा देने के लिए इस किताब मेले का जो है आयोजन किया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पर किताबें बेचने के लिए लोग आए हुए हैं वो काफ़ी दूर दूर से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, और इनके पास लगभग हर भाषा में जो है किताबें, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उर्दू की भाषा में जो है इनके पास किताबें मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे जो एक किताब विक्रेता ने जानकारी दी है कि जो भारत सरकार द्वारा CAA और NRC कानून जो है लागू किया जा रहा है, उसको लेकर भी यहाँ पर किताब जो है मुहैया कराई जाएगी, ताकि लोग इस कानून के बारे में जो है आसानी से जान सकें। और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए भी जो है यहाँ पर किताब है, जो खाना बनाने के तरीके से लेकर दीनी तालीम से लेकर, और बच्चों के लिए भी यहाँ पर कई ख़ास तरह के जो है किताब यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।